इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये फिरकी जो धागा भरने वाला है ना, ये हमारा ख़राब हो गया है। इसमें कोई भी कमी है आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरे समझ में आ जाएगा आपको। और वीडियो अगर अच्छा लगे, पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पूरा वीडियो देखने के बाद में ही कमेंट किया कीजिए कोई भी कमेंट करना हो तो, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं आप लोग, पहले ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं। खोल लेंगे यहाँ से, यहाँ से हम ये खोल ले रहे हैं। ये हमने खोल लिया तीनों नट को। अब इसको देखिए, ये देखिए इसमें का वो जो था ना, एक ग्रिप बनने के लिए एक बेल्ट होता है, इसमें इसके अंदर गिर गया है, लग रहा है टूट के। इसको निकाल लेते हैं, रुक जाओ, चलने दो। ये रहा, ये देख लीजिए, एक इसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर ये होता है, और यही इसके ये वाला जो है ना, ये इसके अंदर घुमाता है ऐसे, ये वाला ऐसे जाकर चिपकता है, फिर ये घूमता है, ये वाला, ये चलेगा ना मशीन जब ये इसके अंदर ये टच हो जाएगा, ये वाला टच होके फिर घूमेगा। यही टूट गया है, इसी की वजह से ये घूम नहीं रहा है, ये धागा नहीं भर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे ये देखते रहिए वीडियो को सही तरीके से। हम ये लगाएंगे प्रेशर कुकर का है, ठीक है, प्रेशर कुकर का है। इसका इसका मोटाई थोड़ा ज़्यादा है, इसका मोटाई थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन हम इसी को लगा के आपको सेट करके दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा मिल नहीं रहा है यहाँ पर, अभी हमारे पास नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा ना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को चाहिए तो हम दे देंगे इसको, ठीक है। लेकिन ये महंगा आएगा, 500 रुपये का पड़ेगा, आपको चाहिए तो बताइएगा कमेंट में, यही आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको सिर्फ इसके फंसा लेना है ऊपर से, तो इसको हम सेट करके आपको दिखा देते हैं कैसे सेट करेंगे। इसको इसके अंदर ऐसे डाल लेना है, ये प्रेशर कुकर का है, आपको बता दिए हैं, ये ऐसे ऐसे इसको नाप लेना है कितना है, ठीक है, इतना अपने को कटिंग कर लेना है इसमें से, ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं, ये हम कटिंग कर लिए, ठीक है। कटिंग कर लेने के बाद में ये आपको घरेलू उपाय बता रहे हैं, जो कि आप परेशान ना हो इसके वजह से, आपको इसी से हम करके आपको सेट करके दिखाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, एकदम हल्का सा, ठीक है। इसको हम फिर से अभी थोड़ा और छोटा करते हैं, इस हिसाब से थोड़ा तिरछा में कटिंग करेंगे ताकि ये मैच कर जाए। ये देखो ये अपना सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस पर थोड़ा सा फेविक्विक डालेंगे, ये फेविक्विक ले लेंगे, इस पर हल्का सा हम फेविक्विक डाल लिए, और इधर भी हल्का सा फेविक्विक, ठीक है, और इस वाले पे ना हल्का सा डाल लेंगे ताकि इधर उधर भागे ना, इसी पे चिपका रहे, ठीक है। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, एक मिनट में जुड़ जाएगा ये। ये देखो ये हमारा जुड़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सही तरीके से जुड़ गया है। अब यहीं पे आप वीडियो को रोक के भाग मत जाइएगा, क्योंकि आपको अभी पूरा समझ में नहीं आया है, ठीक है, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। अब इसको इसके अंदर सेट करेंगे तो शायद नहीं चलेगा, ठीक है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पे इसको डाल लिया हम, इसको नट को सेट कर लेते हैं, सारे नट को हम लगा के एक बार चेक करते हैं चालू हुआ है कि नहीं ये। फिर अब ये देखो हम चला के देखते हैं मशीन को, देखो ये बिल्कुल नहीं घूम रहा है, हल्का हल्का घूम रहा है, हल्का हल्का घूम रहा है ज़बरदस्ती घुमाने से, ठीक है। अब इसमें समझो कि ये अभी काम नहीं कर रहा है सही तरीके से। इसको काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देख लीजिए ये काम नहीं कर रहा है, ऐसे घुमाने से काम कर रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर भी रुक जा रहा है। अब इसको वापस से खोल के अब इसके अंदर क्या सेट करेंगे वो चीज़ देखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। देख लीजिए अभी इसको वापस से खोल लेते हैं,
उसके बाद में इसके अंदर कोई और चीज़ डालेंगे। ये देख लीजिए हमने निकाल लिया इसको, अब देखिए इसके अंदर क्या चीज़ डालना है, वो चीज़ ज़्यादा समझना आपको ज़रूरी है। ये जो है ना, ये रबड़ है, ठीक है, ये रबड़ है, इसको इसके ऊपर आपको ऐसे गोल चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप सोचेंगे ये चढ़ेगा कैसे, ये तो गिर जाएगा निकल जाएगा, तो ये निकलेगा नहीं, फेविक्विक से चिपकाइए इसको। और ये मत सोचिएगा कि ख़राब हो जाएगा, मेरा काफ़ी दिन से चल रहा था लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं इसी पे। ऊपर से दिखाओ, ऊपर से। अब ये हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम लगा ले रहे हैं फेविक्विक, तो यहाँ पे ऐसे चिपका लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको चिपकाना पड़ेगा। अब ये मत सोचिएगा कि पूरा ही चिपका लेते हैं एक ही बार, ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा चिपका चिपका करके आप गोल चिपका लीजिएगा, ठीक है। अभी हम चिपका ले रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलो देखो, ये हमने चिपका लिया इसके ऊपर, और थोड़ा सा और ऊपर से डाल देते हैं ताकि बिल्कुल मजबूत हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम बिल्कुल हार्ड कर देते हैं इसको। ये हमारा हो गया, अब थोड़ा सा सूख जाने देते हैं एक मिनट के लिए। अब ये देखो इसके अंदर इसको डाल लेते हैं, ये डाल दिया हमने, और इस नट को हम टाइट कर लेते हैं। ये हमने टाइट कर लिया, अब इसको हम चला के आपको दिखाएंगे। अब इसमें धागा भर के दिखाते हैं आपको, धागा भरता है कि नहीं, अब चेक करते हैं। बिल्कुल फुल हो गया है धागा, अब इधर हो गया धागा खत्म, ठीक है। धागा भर रहा है बिल्कुल सही से, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।